हेलो नमस्ते। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया रेसिपी लेकर जिसमें गोभी रहेगा और बहुत कुछ रहेगा। तो देखिए, चलिए देखते हैं रेसिपी का नाम है, वो क्या है बोलिए तो, गोभी रजाला। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या चाहिए देख लीजिए। तो फूलगोभी का जो रेसिपी है, ये बनाने के लिए एक फूलगोभी मीडियम साइज कट एंड इसको मैंने भिगा कर, मतलब गर्म पानी में भिगा कर हल्दी या नमक से ये पानी फेंक दिया है, स्ट्रेन कर दिया है, क्योंकि जो लोग गैस एसिडिटी है इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये स्टेप। और दो छोटा छोटा आलू को मैंने काट कर लिया है क्यूब साइज। और इंग्रेडिएंट्स चाहिए बटर, कर्ड, टोमेटो एक, दो ग्रीन चिली, शुगर एंड सॉल्ट टेस्ट, इधर 13 कैशियो नट्स है, थोड़ा सा जीरा खोल के अंदर जाएगा, और ये है जिंजर। और आपको वाटर चाहिए तो वो मैंने दिखाऊंगी आपको। तो इसमें कोई भी ऑयल मसाला कुछ भी नहीं जाएगा। तो क्या जो रेसिपी है आपको देखना पड़ेगा टिल लास्ट तक, तो प्लीज़ वॉच। और जो कैशियो नट्स है वो आपको पेस्ट कर लेना है, मिक्सी में पेस्ट करके रख दीजिए। तो मैंने पैन चढ़ा दिया है, अभी मैं ऐड कर रही हूँ अनसॉल्टेड बटर, आप सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा तरकारी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट कम देना है। और देखिए बटर मेरा गल गया है, और ये ऑयल के जैसे इतना गर्म नहीं चाहिए, जस्ट आप थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके ऊपर ही आप जो भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। अभी मैं ऐड कर रही हूँ जीरा, अभी मैं ऐड करूँगी कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो, हल्का सा फ्राई होगा। अभी गोभी एंड आलू ऐड करने के बाद आपको ये थोड़ा फ्राई करना है, 5 to 7 मिनट्स फ्राई करना है। अभी देख सकते हैं ये फ्राई हो गया है हल्का सा। अभी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो एंड जिंजर। अभी मैं ऐड कर दिया है टोमेटो एंड जिंजर एंड इसको फ्राई करना है एंड इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट देना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा 2-3 मिनट फ्राई करके मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। अभी देखिए ये जो टोमेटो है इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। बस थोड़ा सा हाफ टी स्पून जैसा सॉल्ट ऐड करना है और इसको चलाते रहना है जितना टाइम में ये टमाटो ना गल जाए। विद इन 5 मिनट्स के अंदर ये गल जाएगा टमाटो। फिर क्या ऐड करना है आपको दिखाती हूँ। अभी देख सकते हैं टमाटो गल गया है। मैं अभी इसके अंदर ऐड करूँगी जो काजू का पेस्ट, मैंने कैशू नट्स का जो पेस्ट था वो ऐड करूँगी मैं। ये देखिए कैशियो नट का पेस्ट मैं बनाया था। और हाँ, ये बोलना मैं भूल गई, इसमें मैंने बोला था 12 to 13 जो कैशियो नट है वो एक्चुअली उस मेरा मिक्सी थोड़ा बड़ा है तो इसलिए 12-13 जो वो पेस्ट नहीं हो रहा था, इसके लिए मैं और 5 to 6 कैशियो नट ऐड कर दिया है। तो अराउंड 20 कैशियो नट चाहिए इसके लिए। तो मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और इसको पकाना है थोड़ा सा सूख ना जाए,
और एक बात, इसके अंदर जो मसा मतलब कैशू नट का जो पेस्ट है वो थोड़ा सा हल्का सा पानी से थोड़ा बाद आपको ऐड करना है, अभी नहीं, अभी तो ये चलाते रहना है। अभी मैं काजू पेस्ट का जो वाटर है मिक्सी में वो मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, और इसको भी सुखाना है। अभी देखिए वो जो वाटर मैंने दिया था काजू का कैशू नट का वो सूख गया है। अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कर्ड, और कर्ड को मैंने अच्छा करके फेंट लिया है विथ फोर्क। ये देखिए कर्ड है जो रूम टेम्परेचर में है, और इसको मैंने अच्छा करके ये फोक से फैटा लिया है, जिसमें क्या होता है फैटाने से आपका अंदर बबल्स चला जाता है और ये कर्ड जो फटता नहीं है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ कर्ड, और इसको तब तक चलाना है जब तक इससे उबल ना आ जाए। फिर इसके अंदर देखिए ये जो कर्ड है ये थोड़ा सा हल्का पानी से इसके अंदर ऐड करूँगी, एंड वो भी सुखाना है आपको। अभी देखिए मेरा बॉयल हो रहा है जो कर्ड है, अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो पानी है वो, और ये भी इसको भी सुखाना है और स्टार करना है, चलाते रहना है। अभी देखिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ शक्कर, सॉल्ट एंड ग्रीन चिली। देखिए शक्कर, सॉल्ट एंड ग्रीन चिली ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा 2 मिनट भूनना है, एंड वाटर ऐड करना है। इसके बाद वाटर ऐड करने के बाद आपको वेट करना है 7 to 12 minutes, क्योंकि इसको बॉयल होना चाहिए। और इसके अंदर अभी पानी ऐड करना है। और एक बात आपको कहना है, जैसे मैं इसके अंदर कुछ भी इतना तीखा ऐड नहीं किया है, क्योंकि तो हल्का सा ये इसमें हल्का सा थोड़ा सा ग्रीन चिली जाता है, और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन ऐड दैट चिलीज, बट मेरे घर पे एक्चुअली बच्चा है तो इतना तीखा भी नहीं खाएगा, और इसमें तीखा एक्चुअली जाता भी नहीं इतना। और ये आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, और फ्राइड राइस स्पेशली फ्राइड राइस के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं अभी ऐड करती हूँ पानी। देखिए मैं अभी पानी ऐड करती हूँ, इसको बॉयल होना है ना, ये थोड़ा सा ग्रेवी बनेगा। देखिए पानी देने के बाद ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं सिम कर दी थी हूँ गैस, और मैं ढका दे रही हूँ उसको 10 to 12 minutes के लिए। सो मैंने ढका दे दिया है, और वापस आते हैं आफ्टर 10 to 12 minutes एंड वी चेक। अभी देखिए बॉयल हो गया है, मैं जस्ट अभी चेक किया है, तो मैं स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने खुद टेस्ट किया है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी ज़रूर घर में ट्राई करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को ये नया रेसिपी कैसा लगा। एंड इफ़ यू लाइक माय रेसिपी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्रेस द रेड आइकॉन बेल सो दैट व्हेन आई अपलोड एनी वीडियो यू कैन गेट द अपडेट्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।